गाइस देख के आलम कैसे इस छोटे से पपी की डेथ हो गई। एंड गाइस उस बेचारी की पूरी फैमिली भी वहीं पे ही है। क्या पता यार कैसे कैसे गाड़ी चलाते हैं यार। एंड गाइस कितना बोलता हूँ आप लोगों से वीडियो में कि यार ज़्यादा नहीं, यानी आपके जो भी आपके एरिया के स्ट्रीट डॉग्स यार उनकी तो हेल्प करनी चाहिए यार। कैसी कॉलोनी यार बेचारा इतना सा एकदम कैसे मारे गया। नो वर्ड्स यार, नो वर्ड्स यार, क्या बोलूँ अब मैं। गाइस कुछ वर्ड्स नहीं आ रहा है सीन को देखते हुए कि यार मतलब अपने एरिया के तो कुत्तों का तो ध्यान रख लिया करो यार। स्ट्रीट डॉग्स ने बेचारे वॉइस लेस है ना, उनकी जवान है ना, ये बोल सकते हैं कि मुझे भूख लग रही है ना, प्यास लग रही है यार, थोड़ी बहुत तो हेल्प कर दिया करो यार। दिल से रिक्वेस्ट है यार सभी लोगों से, जो भी कोई मेरी वीडियो देखता है, कि यार थोड़ा तो ध्यान रखा करो। गाइस अभी मैं उसे साइड नहीं करता ना तो उसकी और भी बेकार हालत हो जाती। जितनी बेकार हालत अब भी तो गाइस लग रहा था कि या फिर किसी ने हिट करा होगा किसी बाइक ने, या फिर क्या करा था गाइस नहीं पता। बट गाइस रियली अंदर से बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है देखते हुए। गाइस क्या कर सकता था मैं इसके अलावा, हेल्प करने के अलावा, इसके अलावा मैं कुछ कर भी नहीं सकता था। यानी गाइस वो उसको मतलब थोड़ी लगी होती या खून वगैरह भी आ रहा होता तो गाइस मैं अर्जेंटली उसको हॉस्पिटल भी लेके चले आता। बट गाइस वो ऑलरेडी डेथ हो चुकी थी गाइस उसकी। मतलब थोड़ा दिमाग से हिल गया यार कि इतना सा पपी बेचारा, यानी कोई उसके एरिया वाले भी कोई हेल्प नहीं करते गाइस। इसे मैं यही बोलता हूँ गाइस स्ट्रीट डॉग्स की हेल्प करा करो यार, उनका कोई भी नहीं होता। गाइस मैं कुछ अभी अलग काम से आ रहा था और तो हेलमेट एंड गोप्रो था वो नहीं था, तो गाइस ये सीन रिकॉर्ड हो गई। लेकिन गाइस रियली बहुत बेकार लग रहा है, क्या ही बताऊँ हमने। नो वर्ड्स गाइस, नो वर्ड्स। बस यही बोलूँगा कि वॉइसलेस एनिमल है तो यार प्यार करो यार, इनसे मारो मत, इनको हिट मत करो, इनकी भी जान होती यार। गाइस मैं अभी जा रहा था अपनी एक फ्रेंड से कॉलेज वाली मिलने, तो गाइस रास्ते में ऐसा कुछ सीन हो गया। आप लोग सोच रहे होंगे कि रुद्रा भाई एकदम से कहाँ आ गए और एकदम से कैसी वीडियो स्टार्ट कर दी। तो गाइस मैं अपनी फ्रेंड को पिक करने जा रहा था कॉलेज से, बट गाइस उसको पिक करने से पहले ही मुझे ऐसा कुछ सीन दिख गया और मेरा गोप्रो ऑन ही था तो गाइस रिकॉर्ड हो गया। तो यार दिल से रिक्वेस्ट है कि यार वॉइसलेस एनिमलों की मदद करा करो यार, थोड़ी बहुत भी उनको खाना वगैरह दे दिया करो। यानी आपके कोई घर के सामने स्ट्रीट डॉग बैठा है तो वो आपके घर की रक्षा ही करेगा, आपको सेफ ही महसूस करवाएगा। अब बहुत से लोग को मैंने देखा है कि कोई अपने घर के सामने कुत्तों को बैठने देता, यार तुम्हारे बाप की रोड तोड़ना है, तुम्हारे बाप की रोड तोड़ना है, तुमने तुम्हारा घर है ना, तुम्हारे बाप की रोड तोड़ना। गाइस मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता, यानी मेरे सामने कुछ ऐसा भी सीन होता है गाइस मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता हूँ। और गाइस एनिमल पे तो बिल्कुल ही नहीं। हाँ हूँ भाई, डॉग लवर हूँ, पूरे एनिमल लवर हूँ मैं, लड़े आता। लेकिन गाइस ये चीज़ बर्दाश्त नहीं करता, यानी मेरे सामने हिट करता तो मैं उसको बताता कि फिर मैं कहाँ तक जा सकता था गाइस, उसकी मैं कंप्लेंट तक जाता। लेकिन गाइस ऐसा था कि मेरे सामने ऐसा कुछ भी सीन नहीं हुआ कि मेरे कुछ कैमरे में रिकॉर्ड हो या मैंने ऐसा कुछ देखा नहीं कि कोई ने उसे हिट करा। आई थिंक गाइस इतनी ज़्यादा ठंड होती बेचारा ठंड के कारण मर गया, क्योंकि गाइस मतलब उस पर हिट के भी कोई निशान नहीं थे ना, क्योंकि गाइस उस पर हिट के भी कोई भी निशान नहीं थे मेरे हिसाब से। गाइस या फिर उसको खाना नहीं मिला होगा तो इसलिए बेचारा वो मर गया, या फिर गाइस उसको किसी बाइक ने हिट कर दिया। लेकिन गाइस जहाँ तक मुझे पता कोई बाइक ने उसे हिट नहीं करा है, क्योंकि मतलब वो एकदम फ्रेश फ्रेश था एंड गाइस वो थोड़ा वार्म भी हो रहा था। तो मेरे हिसाब से गाइस वो ज़्यादा समथिंग 30 मिनट पहले उसकी डेथ हुई होगी। और गाइस रियली इतने सारे लोग निकल रहे थे वहाँ से, बड़े बड़े कार वाले निकल रहे थे, मोटरसाइकिल वाले निकल रहे थे, स्कूटी वाले निकल रहे थे। बट गाइस किसी ने भी आगे आकर रियली उसकी हेल्प नहीं की, तो सलाम आनी चाहिए यार जो भी उससे अभी इस इंसिडेंट के सामने से निकला, यानी वो मेरी वीडियो देख रहा हो, तो यार तुमको सलाम आनी चाहिए एटलीस्ट इंसानियत के लिए। 2 मिनट रुक के तुम उसको साइड कर देते तो यार तुम्हें ऊपर वाला ही थोड़ा, ऊपर वाले को भी अच्छा लगता कि नहीं जो मैंने नीचे इंसान बेचा है वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। लेकिन गाइस रियली कोई भी नहीं स्टॉप हुआ, ना कोई रुका, एंड गाइस एक कार वाला तो चढ़ाया दे रहा था। इतने में फिर राज ने उसे हाथ दिया कि स्टॉप भाई रुक जा, दो ज़्यादा जल्दबाजी हो रही है। फिर गाइस उसने अपनी कार रोकी, उसके बाद गाइस मैंने उस पेट को उठाया पन्नी से। मेरे अच्छा हो गाइस कि मेरे मतलब मैंने पैंट फिटिंग करा के लाया था तो उसकी पन्नी मेरे डिक्की में पड़ी हुई थी, तो गाइस उसकी पन्नी से मैंने उठाकर उसको साइड करा। एंड गाइस के फिर पाँव छुए, जैसा भी हुआ यार क्या बोलूँ यार गाइस, हमने मतलब जैसा देखता है ना कि इंसानियत गाइस एकदम ख़त्म सी होती जा रही है, इंसानियत पूरी ख़त्म सी होती जा रही है गाइस। ऐसे इंसिडेंट अपना हुआ था जब अपन गए थे गाइस, कहाँ गए थे अपन, सलकनपुर गए थे गाइस। सेम ऐसा इंसिडेंट था, एक मंकी की डेथ हो चुकी थी रोड पे, और गाइस मिनिमम वहाँ से 1000 गाड़ी निकल गई होंगी, और गाइस इतना ज़्यादा ब्लड उसका बह चुका था। लेकिन गाइस किसी ने भी रुक के उसकी हेल्प नहीं की, तो यार क्या पत्थर के दिल हैं क्या यार तुम लोगों के, तुम ये तो बताओ पत्थर के दिल हैं क्या। यानी गाइस अभी मैं ये पेट को साइड नहीं करता, ये डॉग को साइड नहीं करता तो गाइस उसका बहुत ही बेकार हालत हो जाती, मतलब ना देखने लायक हालत हो जाती। तो गाइस मेरे पास हमेशा अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ सामान नहीं होता है जिससे मैं थोड़ा छोटा मोटा गड्ढा खन के और ऊपर से नमक डाल के उसको अच्छे से पैक कर सकूं,
कि मतलब उसकी बॉडी स्मेल वगैरह नहीं करे, बट गाइज अनफॉर्चुनेटली हमेशा मेरे पास कुछ भी सामान नहीं रहता है। गाइज मैंने उसको साइड कर दिया, यही मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। एंड गाइज मैंने भगवान से सॉरी भी बोल दिया कि मैं उसकी उससे ज़्यादा कोई मदद नहीं कर पाया। तो गाइज यही बोलूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने एरिए वाइज, अपने घर के सामने, आपके मोहल्ले में, गाइज आप कोई सी भी कॉलोनी में रहते हो या मोहल्ले में रहते हो या कोई सी एरिए में रहते हो, गाइज आप अपने वहाँ के स्ट्रीट डॉग्स की या तो कर ही सकते हो। और गाइज इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है, और आप ठंड हो रही है तो गाइज एटलीस्ट एक छोटा सा कंबल बिछा सकते हो उनके लेटने के लिए, उनके सोने के लिए, थोड़ा बहुत उन्हें खाना दे सकते हो। क्योंकि गाइज इन लोगों को कचरे से खाना मिलता है, जब हम लोग कचरा फेंकते हैं यानी उसमें कुछ खाने का मटेरियल्स वगैरह रहते हैं, तो गाइज जब इन लोग को खाना मिल पाता है, नहीं तो गाइज बेचारे भूखे पेट सोते हैं। तो यार यानी तुम्हारे भाई की थोड़ी बहुत भी आप लोग इज्जत करते हो तो गाइज आपकी एरिए वाइज या फिर आपको जो भी मोहल्ला हो, गाइज प्लीज़ अपने इधर की स्ट्रीट डॉग्स का ध्यान रखिएगा एंड गाइज प्रॉपर उनको खाना दीजिएगा। यानी गाइज मैं कभी वीडियो रिकॉर्डिंग करने में आऊँ यानी हेल्पफुल की हुई पैट की, तो गाइज ऐसे दिन में 1000 वीडियोस रहती हैं जहाँ मुझे लगता है कि ये डॉग भूखा है तो गाइज मैं उसको पेट भर खिलाता हूँ। तो गाइज यानी थोड़ी बहुत इज्जत हो अपने भाई की, तो गाइज अपने मोहल्ले की, अपनी मतलब अपने मोहल्ले अपने एरिए के स्ट्रीट डॉग्स की हेल्प करना स्टार्ट कर दो यार, दिल से अच्छा लगेगा। एक बार करके तो देखो गाइज, अपने मोहल्ले और अपने जो भी आपका इलाका है गाइज उसके स्ट्रीट डॉग्स की हेल्प करना स्टार्ट कर दो यार, एक बार गाइज करके तो देखो, दिल से बहुत अच्छा लगेगा, सुकून सा मिलता है गाइज। अभी आप लोगों ने करा नहीं होगा तो आपको लगता है कि चूतिया बंदी, बट गाइज जब आप करोगे ना कि मेरे पीछे किसी बंदे का पेट भर रहा है या फिर किसी पेट का पेट भर रहा है, तो गाइज इससे ज़्यादा खुशी की बात कुछ नहीं हो सकती। तो गाइज एक बार करके देखो, और गाइज जब आप करके देखोगे और फिर आप मेरे इस वीडियो के नीचे आके बताना कि कैसा एक्सपीरियंस रहा आपको, कैसा लगा, किसी को किसकी भूख मिटा के आपको कैसा लगा। तो गाइज वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। तो गाइज वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड बेल के आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो गाइज अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग के लिए, तो गाइज वेट करिएगा नेक्स्ट ब्लॉग का। एंड गाइज यानी वही मैं बोल रहा हूँ गाइज, मेरी थोड़ी बहुत भी इज्जत हो तो आप अपनी जो मोहल्ला है, जो इलाका है, आप प्लीज़ गाइज हेल्प करिएगा आपके इधर के स्ट्रीट डॉग्स की, उनको खाना दीजिएगा, उनकी थोड़ी सी केयर भी करिएगा। तो गाइज मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग के लिए, जब तक के लिए टाटा गुड बाय। एंड गाइज मूड एकदम फक्सा हो चुका है, ऐसा कुछ सीन जब भी देखता हूँ ना गाइज एकदम बेकार टाइप का लगता है, एकदम बेकार टाइप का फील होता है। तो गाइज मूड की तो एकदम ऐसी तैसी मेरे हो चुकी है। ठीक है गाइज, मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में।